सो भाई लोग, वन वेरी बैड न्यूज़ फॉर द क्रिप्टो इन्वेस्टर्स. आज क्रिप्टो वर्ल्ड में जो हुआ है, आई थिंक दिस इज द फर्स्ट टाइम मे बी व्हेन पीपल आर एक्चुअली गोइंग टू लूज देयर इंटरेस्ट, ट्रस्ट, एवरीथिंग इन द क्रिप्टो करेंसीज. जस्ट लुक एट इट, व्हाट हैज हैपेंड. सो गाइस, दिस इज बैड, दिस इज टेरिबल. यू कैन सी दैट द टेरा लूना इज रनिंग राइट नाउ इज $2, 93% डाउन. पकड़ लो, मतलब कल ये सेम वाला, कल भी छोड़ दो, मतलब मई अप्रैल में इट वॉज समवेयर अराउंड, अगर अपन 3 months ही पकड़ के चलते हैं, 3 months 1 टेरा लूना वॉज रनिंग एट समवेयर अराउंड 9,000 rupees. द सेम टेरा लूना इज रनिंग राइट नाउ एट 140 rupees. ब्लडी हेल. सो इफ यू गो टू 1 day चार्ट, कल भी टेरा लूना था एट समवेयर अराउंड 2,800 rupees, बट कुछ तो हुआ, इट्स लुक्स मोर लाइक ए प्लैंड अटैक. एंड देखो कितने लोगों ने सेल किया, and it's running at around -93%, and it's right now at only $2.3. अभी देखो कितना नीचे आ चुका है, and this is what the market situation looks right now. मतलब एक दिन के अंदर 93% एक क्रिप्टो करेंसी जा चुका है. कैन यू इमेजिन $2 राइट फ्रॉम $125 ऑल द वे टिल $2. सोच लो कि कितने लोग यहाँ पे पैसा बर्बाद किए होंगे. But instead of looking at this, we will just go ahead and invest because we are positive about this project. Hey, morning guys. So one very bad news I was just getting on the news is Terra Luna cryptocurrency, which has been like one of the most famous projects which I remember. मैंने कभी Terra Luna में invest नहीं किया था. I have just went ahead and invested today. But I have always been reading about it. मेरे को time नहीं हो रहा था उसको बारे में ज़्यादा पढ़ने के लिए. But मैं YouTube में बहुत देखता था कि वो बहुत famous है. Because it basically जो Terra Luna है वो मतलब US में USDT के against में peg होता है. तो उसका मतलब लोगों को लगता है ये बहुत ही एक stable coin रहेगा, फ्यूचर के लिए भी स्टेबल रहता. बट क्या हुआ किसी को मुझे नहीं मालूम. मेरे को तो लगता है इट्स मोर लाइक ए प्लैंड अटैक बाय समवन. कोई तो शार्क है जिसने कि पूरा सेल कर दिया. एंड लाइक एवरीवन इज सेलिंग, द सेल इज कमिंग फ्रॉम लाइक ईच एंड एवरी एड्रेस. एंड ये जो टेरा लूना था, ये कुछ ही महीने पहले, 1-2 महीने पहले ही, मतलब जुलाई में इट वॉज समवेयर अराउंड $125. जुलाई बोल रहा हूँ, अप्रैल या मई में इट वॉज एट $125. एंड राइट नाउ व्हेन वी आर वॉचिंग दिस वीडियो, इट्स एट $2.21. मतलब 93% का लॉस हुआ. मैं आपको खाली ये वाला स्क्रीनशॉट भी डाल देता हूँ वीडियो में, जस्ट टू रिमेंबर कि ऐसे भी कभी हुआ था. एंड ये वाला दिन मेरे को लगता है सबको लाइफ में याद रहेगा. बिकॉज इफ दिस टेरा लूना गोज टू जीरो, लोगों का क्रिप्टो करेंसी से टोटल विश्वास उठ जाएगा. उसके बाद लोग कभी भी अपना हार्ड अर्न मनी को इन्वेस्ट नहीं करें. आई पर्सनली इन्वेस्ट ऑन क्रिप्टो करेंसीज बिकॉज आई ट्रस्ट दिस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, आई ट्रस्ट एवरीथिंग अबाउट इट, आई ट्रस्ट दोस प्रोजेक्ट. सो दैट इज द रीजन आई इन्वेस्ट. नहीं तो मतलब दूसरों को, जिसको समझ में नहीं आता, वो क्या करते हैं, दूसरों से सुन के इन्वेस्ट करते हैं. उनको लगता है कि नहीं नहीं ये तो बेकार है, इसमें नहीं घुसाएंगे, इसमें पैसा हो, ये हो गया. एंड अगर इफ यू गो टू न्यूज एंड सी ए लॉट ऑफ पीपल, आई थिंक समवन हैज ऑलरेडी शॉट हिमसेल्फ एंड किसी ने तो सुसाइड भी कर लिया. अभी बहुत सारा न्यूज ऐसे आने वाला है न्यूज में कि इसने सुसाइड किया, ये किया, वो किया. बिकॉज टेरा लूना वॉज समथिंग विच वॉज वेरी स्टेबल कॉइन, पीपल यूज टू बिलीव इन दिस कॉइन. बट दिस कॉइन इज राइट नाउ, मतलब जिसका मार्केट कैप वॉज समवेयर अराउंड $45 बिलियन. सोच सकते हो $45 बिलियन, इट्स राइट नाउ सिटिंग एट कितना, आई थिंक अराउंड $8-11 बिलियन ओनली. सो होपफुली दोज पीपल आर नॉट गोइंग, फिंगर्स क्रॉस. अभी जितने लोग इसको होल्ड करके बैठे हैं, होपफुली दे आर नॉट गोइंग टू सेल इट. यू अगर सेल कर दिए एंड ये अगर जीरो हो गया, बहुत सारे लोग रोड पे आ जाएंगे. क्योंकि लोग जब कोई एक चीज़, मतलब क्रिप्टो करेंसी या कोई एक प्रोजेक्ट को जब विश्वास करते थे, नॉर्मली इन्वेस्ट लॉट ऑफ मनी इन दैट एंड दे बैक दोज प्रोजेक्ट्स. अभी अगर कोई प्रोजेक्ट रातों रात अगर 50-60-70% डाउन हो जाएगा, इट बिकम्स क्रेजी. मतलब बहुत सारे लोगों का विश्वास उठ सकता है. सो बेसिकली दिस इज समथिंग आई फाइंड जो ऑलरेडी इन्वेस्ट किए होंगे उनके लिए तो बहुत ही मतलब हार्ट ब्रेकिंग वाला मोमेंट है. बिकॉज उनका, उनके सामने उनका जितना भी हार्ड अर्न पैसा जिन्होंने उसको इन्वेस्ट किया, वो पूरा पैसा उनको डूब चुका है ऑलरेडी. मतलब समझ लो किसी ने अगर पकड़ लो 1 लाख रुपये इन्वेस्ट किया होगा, मे बी इन लाइक जून और जुलाई और समथिंग लाइक दैट, टूडे दैट 1 लाख का जो वैल्यू होगा, इट विल बी समवेयर क्लोज टू मे बी लाइक 20 या 25 रुपीज, नॉट मोर देन दैट. सो दिस इज द वैल्यू राइट नाउ. सो जून या जुलाई में दिस क्रिप्टो करेंसी वॉज रनिंग एट अराउंड $125, मतलब क्लोज टू 9,000 रुपये. एंड एट द सेम टाइम वेन आई एम शूटिंग दिस वीडियो, इट्स अराउंड 160 रुपीज ओनली. आप सोच भी नहीं सकते, $44 बिलियन केम डाउन टू
$11 billion ओनली. सो आई हैव जस्ट वेंट एंड इन्वेस्ट, क्योंकि मैं ऑल्सो आई नॉर्मली ऑल्सो इन्वेस्ट, मतलब आई ट्रस्ट दोज प्रोजेक्ट. सो आई हैव जस्ट वेंट एंड इन्वेस्टेड कि चलो $2 ही है, पैसा डाल देते हैं. उसके बाद अगर ये पिकअप लेता है, अगर ये ऊपर जाता है, मे बी इवन इफ आई इन्वेस्ट लाइक $500, सो $500 अगर 10 टाइम्स, अगर दिस $2 इवन इफ इट बिकम्स लाइक ₹20,000, माई $500 कैन लाइक $5,000. Even if this $20 is coming to $2 is coming to like $100 back, अगर जैसे वो पहले $125 में था, अभी ये $2 में आ गए, अगर ये at least $100 भी होता है, then also your money is growing by 50%, 50 times. मतलब अगर आप $500 डालते हो, मतलब पकड़ लो ₹40,000 डालते हो, इट कैन ऑल्सो बिकम लाइक ₹25,000. ऑफ कोर्स दिस इज नॉट एनी सजेशन टू इन्वेस्ट, दिस इज वॉट आई एम डूइंग, आई एम नॉट आस्किंग यू टू डू इट. बेकार जगह मेरा बात सुन के जाके इन्वेस्ट मत कर देना. This is basically what I am doing. मैंने अपना पैसा डाला है, because for me $500 is nothing. I can just sit for like 15 minutes and again make it back. So मेरे लिए $500 ठीक है कि मैंने इन्वेस्ट कर दिया. अगर आपके लिए $500 इज अ लॉट ऑफ मनी विच यू कैनॉट इन्वेस्ट, आई डोंट रिकमेंड इन्वेस्टिंग. जो पैसा आप इन्वेस्ट कर सकते हो, जिसको भूल सकते हो, जैसे $500 अगर मेरा चले भी गया, मेरे को लगेगा चलो एक हेलमेट, एक छोटा वाला, अपना जिम जाने के लिए मैंने एक छोटा वाला हेलमेट खरीदा था, जिम में वो हेलमेट को मैं भूल के आ गया, एंड वो हेलमेट या तो चोरी हो गया या तो फट गया, कुछ भी हो गया. सो आई कैन जस्ट फॉरगेट अबाउट दिस $500. बट इफ यू कैनॉट, देन मे बी जस्ट गो, डोंट गो एट एंड इन्वेस्ट. दिस इज वॉट बेसिकली आई एम डूइंग, आई एम नॉट आस्किंग यू गैस टू इन्वेस्ट. बट ये टेरा लूना वाला प्रोजेक्ट देख के एक्चुअली दिमाग हिल गया है. बट येस आई सी इट एज ए अपॉर्चुनिटी कि बिकॉज अभी $500 अगर मैं ऐसे में बाहर जाता हूँ, कहीं चले जाता हूँ, $500 वेस्ट होता है, ठीक है. अगर वही $500 इफ आई एम इन्वेस्टिंग ऑन द टेरा लूना राइट नाउ, एंड इवन इफ इट गोज टू लाइक मे बी 50%, सो लेट्स से मैंने $500 डाला, अभी अगर $202 है, एंड सो अगर वो $100 बैक जाता है लेट्स से लाइक 5 or 6 months में, अगर लेट्स आई एम जस्ट एज्यूमिंग, सो 50 टाइम्स हो जाएगा, तो माई $500 विल बी लाइक ₹575. सो माई $500 मतलब ₹30,000 विल बिकम लाइक 18,75,000 rupees. इतना मेरा बन जाएगा इफ इवन इफ दिस $500 बिकम्स लाइक ओनली $25,000 फ्रॉम लाइक $2 से. अगर $2 से $100 पहुंच गया, देन आई कैन मेक फ्रॉम $500 टू लाइक $25,000 इन नो टाइम. बट येस इसका चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम है, क्योंकि लोगों का ऑलरेडी इंटरेस्ट टूट चुका है, उनका ऑलरेडी ट्रस्ट टूट चुका होगा. मे बी ओनली दोज पीपल हु हैव एक्चुअली इन्वेस्टेड ऑलरेडी, जो कि होल्ड करके बैठे हैं, वो होल्ड करके बैठेंगे. नया इन्वेस्टर्स आना बहुत ही मुश्किल है, बट स्टिल वी आर जस्ट गोइंग टू इन्वेस्ट एंड फॉरगेट अबाउट दिस, एंड देन मे बी विल लुक आफ्टर इट लेटर. सो लेट मी नो व्हाट यू गाइस हैव बीन थिंकिंग. अगर किसी ने ऑलरेडी टेरा लूना में इन्वेस्ट किया था, लेट मी नो इन द कमेंट्स आपका क्या हाल होगा, कैसा आपका, मतलब कितना पैसा आपने इन्वेस्ट किया था, अभी कितना दिख रहा है, एंड व्हाट इज योर माइंडसेट. माई माइंडसेट इज कि अगर लॉस हो जाता है ठीक है, भूल जाएंगे, बट दिस विल बी रिमेंबर्ड इन द फ्यूचर. क्योंकि ये एक चीज अगर जीरो को चले जाता है, आई थिंक ए लॉट ऑफ पीपल विल एक्चुअली लूज देयर इंटरेस्ट एंड ट्रस्ट इन क्रिप्टो करेंसी. तो होपफुली दिस डजंट हैपन. दिस इज ऑलरेडी रनिंग एट अराउंड 93% डीप राइट नाउ. ट्विटर में भी आप देख सकते हो पूरा मतलब हल्ला मचा हुआ है कि टेरा लूना मर गया, ये हो गया, 40% डाउन, 60% डाउन, 50% डाउन. अमेरिकन तो पागलों की तरह इन्वेस्ट करते हैं, बिकॉज दे ऑलवेज न्यू कि टेरा लूना इज लाइक पेक्ड एट अगेंस्ट द $US, विच इज लाइक ए वेरी स्टेबल कॉइन. दे हैड नेवर थॉट कि ये कभी मतलब ऐसे हो सकता है कि पूरा जीरो को भी आ सकता है. इसीलिए अमेरिकन्स का तो पूरा फटी पड़ी हुई हुई, क्योंकि उनका बहुत ही पैसा लॉस हुआ था. बहुत लोग इन्वेस्ट करके रखे थे टेरा लूना, वो स्टेक करते थे, इन्वेस्ट करते थे, दे इवन यूज्ड टू डू लाइक ट्रेडिंग एंड लॉट ऑफ स्टफ. बट आज वही टेरा लूना जो कि $125 था लास्ट वीक, आई थिंक इट वॉज अराउंड 90, उसके बाद आया 60, उसके बाद आया 23, उसके बाद आया 10, 4, 2, अभी आके पूरा वो 2 से भी नीचे, मतलब क्लोज टू ओनली $2.21 हो के रह गया. सो वॉट आई हैव डन इज आई हैव जस्ट वेंट एट एंड इन्वेस्टेड. सो मैंने अपना अभी कॉइन्स स्कूबेर में मेरे पास कुछ 10,000 या 12,000 rupees पड़े हुए थे, मैंने उसको इन्वेस्ट कर दिया टेरा लूना में. अगेन आई एम गोइंग टू डू लाइक मोर $500. सो क्लोज टू $600 आई एम इन्वेस्टिंग, आई एम मतलब पुटिंग इट द $600 एट रिस्क. अगर $600 गया तभी चलेगा, अगर $600 अगर कुछ हुआ टेरा लूना, अगर वो पिकअप लोग बैग भी आया दैट $600, इवन इफ इट बिकम्स लाइक 5 times, 10 times or 15 times, वॉट एवर इट इज, देन इट्स गोइंग टू बी प्लस. अगर लॉस हुआ तो चलता है, प्रॉफिट हुआ तो अपन एग्जिट करके USD में कन्वर्ट करके वो पैसा को यहाँ पे ऐसे ही कुछ खरीद के उड़ा सकते हैं. सो वॉट एवर दैट इज वॉट माई प्लान इज, बट इट डजेंट सीम लाइक इट्स गोइंग टू गो एनी टाइम सून अप, बट स्टिल वी आर बेटिंग ऑन इट. सो अपन अभी इसमें इन्वेस्ट करके रखेंगे एंड वी विल सी वॉट गोज अबाउट इट. सो $44 बिलियन के क्रिप्टो करेंसी
आज उसका लेवल पहुंच चुका है ऑलरेडी $11 billion. सो मार्केट कैप फ्रॉम 44 to 11 इज नॉट ए जोक. एनीवेज वी विल सी व्हाट हैपेंस एंड आई विल कीप यू पोस्टेड मे बी इन द नेक्स्ट वीडियोस. ओके सो मेरा अभी कॉइन स्विच कुबेर में मेरे पास जो था कॉइन स्विच कुबेर से मैंने सब कुछ निकाल दिया था. एवरीथिंग हैज बीन मूव टू एक्चुअली बिनेंस. सो अभी कॉइन स्विच कुबेर पे मेरा ये सब मतलब रिवॉर्ड्स एफिलिएट ये सब निकल के शायद कुछ था तो 8,000 या 12,000 ऐसा कुछ था. उसी में कुछ निकाल के अभी ओनली 4,200 ऐसा कुछ बचा है जो कि बिटकॉइन ऑलरेडी नीचे आ चुका है. सो अभी वो 4,250 को अपन सेल कर देते हैं कॉइन स्विच कुबेर पे. ओके सो कॉइन स्विच कुबेर पे इट्स सोल्ड. नाउ वी हैव लाइक कितना पैसा है अपने पास 4,200. अभी ये 4,200 से अपन खरीदेंगे लूना टेरा लूना. ओके सो वी हैव टू गो टू द मार्केट एंड गो टू टेरा लूना. सो टेरा लूना से 93% जो रेड वाला मार देख के डर जाएगा 189 rupees. अभी बाय करते हैं 100%. सो वन टाइम बाय येस. सो वैलिडेटिंग योर परचेज टोटल आएगा टेरा लूना अपने पास 4,200 का 20 Terra Luna परचेज्ड. ओके चलो ये वाला डन. सो अभी मेरा ये कॉइन स्विच कुबेर में आई हैड स्टिल मोर वैल्यू. सो बहुत सारा एफिलिएट वो जो सब इनकम था वो सारा था. आई हैव गोइंग टू जस्ट यूज इट. पहले तो मैं आई हैव ऑलरेडी यूज लाइक 20-30,000 वैसे कुछ था उसको आई हैव ऑलरेडी यूज इट. अभी वी आर गोइंग टू यूज द रेस्ट ऑफ द मनी. अभी अपने पास और भी है. सो लेट्स गो टू टेरा लूना एंड लेट्स गो टू बाय. अभी और भी वो नीचे डाउन होगा. जब हमने खरीदा इट वॉज 189 नाउ इट हैज गॉन टू 160. मतलब ये जा के जीरो भी हो सकता है बट आई डोंट केयर. एनीवेज ये तो अपना पैसा फ्री में आया था तो फ्री में जाएगा तब भी चलेगा. सो वी आर गोइंग टू गो बाय एंड गो टू 100% एंड प्रीव्यूस बाय एंड इट्स बॉट. ओके सो लूना बॉट परफेक्ट. अभी देखते हैं अपना टोटल पोर्टफोलियो में कितना है. सो यू कैन सी दैट टेरा लूना इट सेज 5,960 rupees एंड इन्वेस्टेड वैल्यू इज लाइक 7,000 rupees एंड करेंट वैल्यू इज 5,920. ये जा के जीरो ही जाएगा उससे आगे और जा नहीं सकता. सो एनीवेज वी विल सी. अभी आई एम शूटिंग दिस वीडियो राइट नाउ एट 3:42 PM ऑन 11 May. अभी कल तक मालूम पड़ जाएगा बाय द टाइम यू आर वॉचिंग दिस वीडियो. मे बी कल सुबह 9 बजे तक अपने मालूम पड़ जाएगा कि टेरा लूना एक्चुअली जीरो हो गया या फिर क्या आ गया ऊपर गया या नीचे गया. अब तक आपको मालूम रह गया होगा बट एनीवेज आई डोंट इवन नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन टुमारो बिकॉज अभी मैंने पैसा तो डाल दिया. अभी जो होगा देखा जाएगा. सो कॉइन स्विच पे अपना टेरा लूना हैज बीन बॉट. अभी विल जस्ट गो एट एंड बाय मोर $500 टेरा लूना ऑन माय बिनेंस प्लेटफॉर्म. ओके सो विल गो टू बिनेंस बाय क्रिप्टो बाय विद डेबिट कार्ड. सो आई विल जस्ट गो एट एंड यूज माय दुबई डेबिट कार्ड. सो USD अपने को USDT में चाहिए. USDT में लेके उसका कन्वर्ट करेंगे. सो गोइंग टू $500 पे अपने को USDT आएगा 493. सो विल जस्ट गो एट एंड क्लिक ऑन कंटिन्यू and my card is already connected. $500 okay's $500 total apna transaction fee se 10 USD and apne ko total aayega 479. ye sara bahut charges le leta hai Binance usi liye Binance ke malik ke paas bahut paisa hai. okay anyways so apan abhi confirm transaction fee is just too much. $10 for a simple $500 transaction. Okay सो अपना USDT हैज़ बीन परचेज. सो परचेज कम्प्लीट. गो टू वॉलेट एंड नाउ वी विल गो टू द USDT एंड वी विल कन्वर्ट इट टू ट्रेड. सो वी विल गो टू USDT अपन अभी नहीं बाय ट्रेड कन्वर्ट. ओके सो अपन अभी USDT को क्लिक करेंगे मैक्स एंड हियर वी विल क्लिक ऑन लूना. सो अभी अपने पास $500 का USDT को अपन लूना में कन्वर्ट करेंगे 486 प्रीव्यू. अपने पास टोटल आएगा 417 लूना. ओके सो इन प्रोग्रेस यू विल स्पेंड टोटल 486 USDT एंड अपन टोटल अभी इनवर्स परफेक्ट. सो इट्स डन. ऑलराइट गाइस दैट्स इट फॉर टुडे. आज एक छोटा वाला वीडियो था. आई जस्ट वांट टू डिस्कस विद यू गाइस माय व्यूज अबाउट दिस टेरा लूना. सो ये टेरा लूना के ऊपर काफ़ी सारे लोगों का पैसा लगा हुआ है बिकॉज दिस वाज मोस्टली बीइंग यूज्ड थ्रू दिस एंकर प्रोटोकॉल जिससे कि मतलब जो डीफाई में वो काम करता है लोग यहाँ इसमें पैसा को स्टेक करते हैं एंड पीपल अर्न पैसिव इनकम मंथली पैसिव इनकम थ्रू दिस. सो काफ़ी लोग का इसमें पैसा लगा था जो कि मंथली ऑटोमेटिकली पैसिव इनकम एंकर प्रोटोकॉल के थ्रू वो कमाते हैं बिकॉज दिस वॉज इन टू मतलब उनका पैसा वॉज इन टू डीफाई. नाउ सिंस इट वॉज लाइक मतलब पे
वॉज गेटिंग पेक्ड अगेंस्ट द यूएसडीटी, लोगों का इसके ऊपर बहुत ही ट्रस्ट था. सो अभी ये ट्रस्ट टूट चुका है, अभी देखते हैं हाउ इट्स गोइंग टू पिक अप. सो आई हैव इन्वेस्टेड, बट अगेन डिस्क्लेमर, आई एम नॉट आस्किंग यू टू इन्वेस्ट. बाद में इन्वेस्ट करके मेरे को गाली मत देना, आई एम नॉट आस्किंग यू टू इन्वेस्ट. दिस वीडियो वॉज जस्ट टू एक्सप्लेन यू द डिटेल्स. एंड मैंने कुछ इन्वेस्ट किया बिकॉज आई कैन एफोर्ड टू लूज. इफ यू कैनॉट एफोर्ड टू लूज, डोंट इन्वेस्ट. सो अगेन पांच बार में फिर से हिंदी में बोल रहा हूँ, साला इन्वेस्ट जाके मत करना. बाद में नहीं बोलना कि सोम भाई ने कहा था, ओडिया साला इन्वेस्ट करियो नहीं, और ना सोम भाई कही थी. सो डोंट डू दैट शिट. सो इफ यू रियली, मतलब इफ यू हैव गॉट सम कैश लाइंग जो कि आप लूज कर सकते हो, उसको जाके इन्वेस्ट कर सकते हो. बट और एल्स डोंट डू द इन्वेस्टमेंट सेइंग दैट सोम भाई हैड टोल्ड. सो दिस वॉज जस्ट ए वीडियो टू एक्सप्लेन यू द करेंट सिनेरियो एंड हाउ मच आई हैव इन्वेस्टेड थ्रू दिस एंड वेटिंग टुमोरो कि कल जीरो हो जाएगा तो चलेगा, पैसा उड़ गया तो ठीक है, बाद में कमा लेंगे. ओके, आई विल सी यू इन द न्यू ब्लॉग.